नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल आप लोगों को। दो तीन दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था और गुजारिश करी थी जितने मुस्लिम समाज को कि जो आप लोगों की वफ की प्रॉपर्टीज हैं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। राम मंदिर के घोटालों पे तो ध्यान है मगर वफ की प्रॉपर्टीज पे आप लोगों का ध्यान नहीं है जो कि करोड़ों में है, लाखों करोड़ों में। तो मैंने थोड़ी रिसर्च करी क्योंकि जो वफ की जमीन भी है ना, ये कोई पाकिस्तान में नहीं है, ये भारत में ही है। जैसे राम मंदिर की जमीन कोई नेपाल में नहीं है, वो भी भारत में है। और जमीन किसकी है? सबकी है। तो मैंने रिसर्च करी सबसे पहले तेलंगाना की। तेलंगाना में 27 डिस्ट्रिक्ट हैं और वफ की जो जमीन है वो करीबन 77,000 एकड़ है, जिसमें सबसे ज्यादा हैदराबाद में है। अब जो मैंने रिसर्च करी ना, उसमें से 1700 एकड़ जमीन जो है वो दरगाह हजरत हुसैन शाह वाली जो गच्ची बोली में है, वो 1700 एकड़ जमीन में जो झोल है वो वाईएसआर के टाइम पे हुआ था जब कांग्रेस की सरकार थी 2008 और 10 में। तो ये जमीन जो बेची गई इसका पैसा कहाँ है? वो डोमेन में क्यों नहीं आता है, पब्लिक डोमेन में? देखिए, वक्फ बोर्ड का क्या काम होता है? ईदगाह, आशरखाना, कब्रिस्तान और मस्जिद, ये होता है वेलफेयर। अब इसके चेयरमैन जो होते हैं वो या कोई एमएलए या एमएलसी होते हैं। मैंने उनसे बात करने की कोशिश करी, उन्होंने फोन रख दिया मेरा। खैर कोई बात नहीं, ठीक है ना, बड़े आदमी है, हम छोटे आदमियों के सवाल का जवाब तो देंगे नहीं। वो हैदराबाद का एयरपोर्ट बना था, 5,500 एकड़ में वो एयरपोर्ट बना है, जिसमें 1,062 एकड़ जमीन वफ की लैंड थी। और जब ये एयरपोर्ट बना था तब भी शायद कांग्रेस की ही सरकार थी, तो वो पैसा कहां गया? वो बेचा तो सही मगर वो पैसा कहां गया? वो पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं है? 1,062 एकड़ जमीन कांग्रेस के टाइम पे इसका व्यापार हुआ था, जो कि एयरपोर्ट बनाया था जीएमआर ने, जो जीएमआर सबसे ज्यादा एयरपोर्ट्स बनाता है। और उस टाइम जमीन की कीमत थी 10 करोड़ रुपया एकड़। कितना एकड़ था? 1,062। कहने को बहुत कुछ है मगर थोड़ा थोड़ा आराम आराम से आप लोगों को समझाएंगे, ठीक है ना। अपना कचरा ढकना बंद कर दीजिए। आप लोगों की तकलीफ देने वाले आपके घर में ही बैठे हैं, बाहर नहीं है। तो मैं तो क्या है कि काले को काला और सफेद को सफेद बोलता हूं। मेरे पास और भी डिटेल है, मैं बोलना चाहूं तो बहुत बोल सकता हूं, मगर मुझे पता है कि इससे ज्यादा आप लोगों का अटेंशन स्पैन नहीं है। अब इसी में मेरे को कई मुस्लिम आएंगे, गालियां बकेंगे। तुम मुझे गाली नहीं बक रहे, तुम अपने आप इतने ज्यादा परेशान हो कि तुम्हारी जो परेशानी है, तुम्हारी जो जलन है, तुम्हारी जो भड़ास है, वो तुम मेरे पे निकालोगे जैसे अंधभक्त निकालते हैं। मगर मैं सत्य के रास्ते पे चलूंगा, क्योंकि जहां सत्य नहीं है वहां कभी धर्म स्थापित नहीं हो सकता है। चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदुत्व हो, वो कभी स्थापित नहीं हो सकता। कहने को मैं बहुत चीजें बोल सकता हूं, ठीक है ना, इसी चीज पे। और लोग बोलेंगे आपने तेलंगाना पे क्यों बोला, राजस्थान के वक्फ बोर्ड पे भी बोलेंगे, जयपुर के वक्फ बोर्ड बोलेंगे, कर्नाटक के भी बोलेंगे, एक एक करके बोलेंगे हम, ठीक है। क्योंकि जमीन ये सारे मुस्लिम समाज की जमीन है, कोई गिने चुने 20% मुसलमान जो अपना गंध को ढकने में लगे रहते हैं, ये उनकी जमीन नहीं है। सारे मुस्लिम भाइयों, मेरे समाज जो समाज है, ठीक है ना, जो मेरा भी समाज है कह सकते हैं आप, अगर मेरे भाई हैं तो मेरा भी समाज है, वो नहीं बोल सकते डर के मारे, गुंडे भिजवा देते हैं, मार पिटाइयां करते हैं, ये काम लगा रखा है हैदराबाद में। तो ये लाखों करोड़ों रुपए का जो सौदे होते हैं, इनका पैसा जाता क्या है? ये वफ बोर्ड के, ये अपने पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं आता ये पैसा? ये कहां गया, कौन खा गया इस पैसे को? ये पैसा किस काम में आना चाहिए था? वेलफेयर स्कीम्स में। इसका क्या मकसद था? ईदगाह, आशरखाना, कब्रिस्तान, मस्जिद के डेवलपमेंट, जितने मदरसों के डेवलपमेंट में आना चाहिए था। हु एट दिस मनी, दैट्स द बिग क्वेश्चन नाउ। ओके, राम मंदिर रखिए एक तरफ, पहले पहले अपने घर में देखते हैं कि अपने घर में क्या कचरा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।